अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जावेद देशमुख, आप देख रहे हैं सोलापुर नामा 24। आज हम अपने दर्शकों को सोलापुर महापालिका के स्टैंडिंग चुनाव के बारे में एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। महेश कोटे ने मारे बाजी, भाजपा भी चारों खाने चित। भाजपा को करारी मात मिली है। नगर विकास विभाग ने स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर स्थगिति ऑर्डर दे दिया है कुछ दिनों के लिए, यानी महानगर पालिका को फिर से अहवाल पेश करने की वकालत की है। अर्बन विकास डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी नगर विकास विभाग ने पीयूष शंकर महापालिका आयुक्त से कहा है कि इस चुनाव को अभी तत्काल रोका जाए, और जो गठनेता थे MIM के यानी प्रमोद गायकवाड़ की जो पत्नी थी पहले गठनेता, उसी के बारे में नगर विकास विभाग के पास एक याचिका दाखिल की थी, उन्होंने स्थगिति ऑर्डर दे दिया है। अब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी सफलता महेश कोटे ने प्राप्त की, भाजपा के तमाम मंसूबों को नाकाम कर दिया। विफल रहा विजय देशमुख का वो अभियान, वो कूटनीति, वो राजनीति। जिस तरह से विजय देशमुख ने सेना के एक नेता को इस काम के लिए सौंपा था, वो पास और 6 दिन से बम्बई में मुकाम करा रखा था उसने, कि किसी तरह से स्टैंडिंग चुनाव पर स्थगिति न मिले, लेकिन भाजपा के मंसूबे भी नाकाम। और क्या होगा रियाज खरा दी का? रियाज खरा दी ने जिस तरह से पार्टी के विरोध में जो काम किया था उस पर उनके तमाम मंसूबों पे पानी फेरा गया। अब स्थगिति आदेश मिलने से सकते में आ गई है भाजपा की राजनीति। सोलापुरनामा देखते रहिए।